अलवर जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में फिलहाल सरसों की आवक कम देखने को मिल रही है। इन दिनों पूरे जिले में प्रतिदिन सरसों के 10,000 कट्टे की आवक आ रही है। आगामी दिनों में इसकी आवक तेज होने की संभावना कम है। अलवर जिले में इस बार सरसों की पैदावार अभी तक अच्छी बनी हुई है। सरसों की बुआई 2,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है और इस समय तक मौसम सरसों की बुआई के अनुकूल बताया गया है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इस बार सरसों की उपज बेहतर होगी और सरसों की पैदावार से किसानों में भी उत्साह है। इस बारे में व्यापारी संचालन समिति के सचिव का कहना है कि इस बार सरसों के भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक हैं, जबकि किसानों को इसके भाव बढ़ने की उम्मीद है। सरसों की नई फसल आने में अभी 3 महीने बचे हैं, लेकिन इस बार सरसों के भाव अधिक नहीं बढ़ेंगे। इसके चलते सरसों तेल के भाव भी अधिक तेज नहीं होंगे, क्योंकि अलवर जिले में सरसों तेल के थोक भाव 145 रुपए प्रति लीटर है, जबकि इसके रिटेल भाव 170 रुपए हैं। इस बारे में सरसों तेल कारोबारियों का कहना है कि सरसों तेल के भाव अभी फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। अलवर के सरसों तेल की मांग कई राज्यों में है, लेकिन इसके भाव कम नहीं होंगे और अधिक भी नहीं होंगे, क्योंकि अलवर के सरसों तेल की मांग पिछले महीने खूब रही। शादी ब्याह के दिनों में अलवर के सरसों तेल की मांग अक्सर बढ़ जाती है और इस बारे में व्यापारियों का कहना है कि इस बार सरसों की पैदावार अगर अच्छी हुई तो सरसों तेल के भाव नीचे आएंगे। सरसों तेल के भाव फसल की क्वालिटी पर भी निर्भर करेंगे। यहाँ के कच्ची घारी के तेल की मांग कई राज्यों में नई सरसों आने के बाद और तेज होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल सरसों तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा ना तो मंदी की उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की। और उनका कहना है कि अगर पैदावार अच्छी हो गई तो सरसों की कीमतें नीचे बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।